नमस्कार, बिहारी योद्धा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बिहार बीएड 2021 से रिलेटेड यह वीडियो आप लोग के लिए कारगर साबित होने वाला है, तो बिना स्किप किए हुए जरूर देखें। जिनको भी कॉलेज नहीं मिला है, जिनका कम नंबर आ रहा है, फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए एक समाधान हम खोज करके निकाला है। तो टेंशन नहीं लीजिए, कॉलेज मिलेगा आप लोगों को भी। सिर्फ क्या है, जिनको कॉलेज नहीं मिला है तो घबराइएगा नहीं। क्या करना है देखिए, आप लोग जानते हैं कि जैसा कि 18 तारीख को आया है, रिजल्ट आया है, मतलब कौन से कॉलेज में आपका होगा, तो वो आपको कल ही आया है 18 तारीख को। उसके बाद अब 19 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक कंफर्मेशन करके और 3000 रुपये का पेमेंट कर देना है। अगर कॉलेज जिनको नहीं मिला वो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे उनके लिए क्या करना है, देखिए इस तरह से हम अगर इंटरफेस खोलें। एक बच्चा का था, तो ये देखिए सीएमएल रैंक बहुत ज़्यादा है, कैटेगरी रैंक भी बहुत ज़्यादा है, तो इस बच्चे का मात्र 62 नंबर आया था, तो इनको कॉलेज नहीं मिल पाया। तो इस तरीके का लिखता है यहाँ पर, सीट नॉट अलॉटेड इन फर्स्ट काउंसलिंग, मतलब आपको वेट करना होगा सेकेंड काउंसलिंग के लिए। तो सेकेंड काउंसलिंग के वेट करने के लिए क्या करना होगा आपको, तो बस देखिए इंतज़ार इसलिए करना होगा क्या आपको मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। देखिए होता क्या है कि मान लिया जाए ए नाम का कोई कॉलेज है, कॉलेज का नाम मान लेते हैं कि ए कॉलेज है, उसमें आपको 100 बच्चा का दिया, फर्स्ट काउंसलिंग में 100 बच्चा को दिया, तो 100 बच्चा में बहुत सारे बच्चे जो है ना एग्ज़ाम देते हैं सिर्फ देखने के लिए, अपना मतलब एग्ज़ाम जो देते हैं वो दिखाने के लिए कि मतलब हम मतलब कितना नंबर अचीव कर पा रहे हैं, या किसी का डॉक्यूमेंट नहीं पूरा होगा तो वहाँ से वे लोग छटेंगे। फिर बहुत सारे लोगों का क्या होगा, समय से पैसा नहीं जमा कर पाएंगे तो वहाँ से लोग छटेंगे। किन्हीं का दूर कॉलेज मिला है, जैसे मेरा अगर कॉलेज मान लिया जब मिली जाएगा गंगा उस पार दरभंगा वाले क्षेत्र में, तो हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमें दूर रहेगा। बहुत सारे लोगों का ऐसा हुआ है कि दूर भेज दिया गया है, तो दूर के वजह से बहुत सारे लोग नहीं लेंगे एडमिशन, तो नहीं लेंगे तो सीट 100 में बहुत मुश्किल होगा, तो फर्स्ट काउंसलिंग में बहुत मुश्किल होगा, तो 50 सीट बचेगा, 85 सीट पर एडमिशन हो पाएगा। 50 सीट एडमिशन होगा तो 50 सीट बच जाएगा, तो 50 सीट जब बच जाएगा तो ए नाम का जो कॉलेज है वो देगा ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी को कि मेरे पास 50 सीट अवेलेबल है, जो कि ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी होगा कि कितना वैकेंसी, जैसे 50 सीट वैकेंट रह गया तो वहाँ पर डिस्प्ले होगा कि 1/10/2021 को डिस्प्ले होगा कि आप इस कॉलेज में इतना सीट वैकेंट है, इतना एडमिशन हो पाया और इतना वैकेंट है। फिर डिस्प्ले ऑफ कॉलेज अलाउट, अब फिर से कॉलेज अलाउट होगा आप लोग का सेकंड काउंसलिंग में, जो किए हैं वो सेकंड काउंसलिंग में कॉलेज अलाउट होगा। तो उसके लिए क्या करना है कि आप मान लीजिए 50 बचा तो आपको मिलेगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आप लोगों को, घबराना नहीं है और करना क्या है, तो बस देखिए जो लोग परीक्षा में बैठ गए, मान लिया जो परीक्षा में बैठ गए और 36 नंबर यानी कि 35% और ऐसा करके 30% जनरल के लिए, 35% 42 नंबर आता है जनरल के लिए, सॉरी सीटेट में 42 नंबर होना चाहिए, 42 नंबर से ऊपर जिसका होगा उसको कॉलेज निश्चित मिलेगा, और जिसका 36 नंबर से ऊपर ओबीसी में होगा उसको भी कॉलेज निश्चित मिलेगा। तो करना क्या है आपको, पहले चेक कर लेना है कि आपका 36 नंबर और 42 नंबर से ऊपर है कि नहीं। अगर आपका ऊपर है तो आपको अपने नज़दीकी जो भी आपका कॉलेज है प्राइवेट कॉलेज उसमें जाकर संपर्क करिए, कंस्टिट्यूएंट कॉलेज में नहीं जाइए। आप अपने नज़दीकी मान लिया जाए मैं गया से हूँ, तो गया के कोई आपके नज़दीकी जो जिसमें आपको मन है एडमिशन लेने का उसके प्राइवेट कॉलेज में जाकर संपर्क करिए, या किसी संपर्क सूत्र से उनसे मिलिए और उनको बोलिए वो एडमिशन आपको करेंगे। क्योंकि देखिए सीट प्राइवेट कॉलेज में नहीं भर पाएगा और 36 नंबर ओबीसी का और 42 नंबर जनरल का होना चाहिए, वो आपको कॉलेज मिल जाएगा। सिर्फ एग्ज़ाम में बैठे हुए होना चाहिए तो आपका क्या होगा, प्राइवेट कॉलेज तो बुलाता है जी, फ़ोन कर कर के बुलाता है कि आप मेरे यहाँ एडमिशन ले लीजिए, मेरे यहाँ एडमिशन ले लीजिए। तो आप क्या करिए कि प्राइवेट कॉलेज से जाके संपर्क करिए, जो भी आपके नज़दीक प्राइवेट कॉलेज हैं, कंस्टिट्यूएंट कॉलेज जो छोड़ दीजिए, गवर्नमेंट कॉलेज तो आपको बुलाने वाली रही नहीं, क्योंकि 92 नंबर वाले विद्यार्थियों का भी, कल हम वीडियो बना रहे थे तो वहाँ पर आया था कि 92 नंबर वाले विद्यार्थियों का भी कंस्टिट्यूएंट कॉलेज मिला है, उनको भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला है। और हम लोग जो कट ऑफ निकाले थे
वो भी सटीक जा कर के साबित हुआ है, जो कटअप हम लोग ने लगाया था और बहुत सटीक कटअप हम लोगों ने निकाला है। तो प्राइवेट कॉलेज से जा कर के आप संपर्क करिए, संपर्क सूत्र के माध्यम से बिहार में तो होता है ना जुगाड़ जी, तो वो जुगाड़ के माध्यम से आपको प्राइवेट कॉलेज में किसी के जान पहचान से आपको हो जाएगा। तो घबराना नहीं है, अगर जिनको संपर्क नहीं है तो डायरेक्टली आप जाइए कॉलेज में, वहाँ विजिट करिए। विजिट करने के बाद बताइए कि हमको इसमें नाम लिखवाना है, मेरा नंबर मान लीजिए 62 है, तो 62 बताइए कि मेरा 62 नंबर है, तो फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं हुआ है तो वो आपको एडमिशन लेंगे। सिर्फ आपको परीक्षा दिए हुए होना चाहिए और 36 नंबर होना चाहिए, ओबीसी वाले को, जनरल वाले को कितना होना चाहिए, 42 नंबर होने चाहिए। तो देखिए प्राइवेट कॉलेज में जा करके विजिट करिए, संपर्क करिए, ठीक है। देखिए इस तरह से एक और लड़की का था तो उनका भी नहीं हो पाया क्योंकि इनका 60 ही नंबर था। देखिए यहाँ पर इनका रैंक बहुत ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि नहीं मिलेगा, पहले काउंसलिंग में तो नहीं मिलेगा, सेकंड काउंसलिंग के लिए वेट करिए। सेकंड काउंसलिंग से वेट करने से पहले जाकर के कॉलेज में विजिट करिए, जो भी प्राइवेट कॉलेज आपके नज़दीकी में है ना उसमें विजिट करिए, आपको ज़रूर वहाँ पर मतलब आपको मिलेगा। प्राइवेट कॉलेज का तो ये हाल हो जाता है ना लास्ट में, हम लोगों ने देखा है कि प्राइवेट कॉलेज वाले को ये हाल हो जाता है कि उनको बुलाना पड़ता है कैंडिडेट को फ़ोन कर करके, ठीक है। तो वो आपको देखिए इनको भी सीट अलाउट नहीं हुआ है फर्स्ट काउंसलिंग में, तो अगर फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं हुआ तो सेकेंड काउंसलिंग में होगा, सेकेंड काउंसलिंग में नहीं हुआ तो स्पॉट काउंसलिंग, स्पॉट एडमिशन है, स्पॉट एडमिशन में डायरेक्ट आपको कोई काउंसलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, जाकर डायरेक्ट विजिट करिए जो आपको कॉलेज मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पर आपको, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ ऑन स्पॉट काउंसलिंग, स्पॉट काउंसलिंग कब है, 25/10/2021 से लेकर 30/10/2021 तक, इसमें कोई काउंसलिंग की जरूरत नहीं है, जिस जो पहले पहुँचेगा उसका एडमिशन हो जाएगा। मान लिया जाए जिसको मान लिया जाए 62 नंबर है और किसी का 65 नंबर है, तो 65 नंबर वाला पहले पहुँच गया या 62 नंबर वाला पहले पहुंच गया, जो पहले पहुंचेगा उसका एडमिशन यहां पर हो जाएगा, यहां पर कोई मेरिट नहीं चलता है। स्पॉट काउंसलिंग में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होता है, ठीक है। देखिए इस तरह का सीट इनको भी अलाउट नहीं हुआ था, तो उसके बाद क्या करना है, देखिए हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए उसके लिए भी वीडियो बना दिया है, तो जाकर के मेरे प्ले लिस्ट पर देख सकते हैं, बिहारी योद्धा यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख सकते हैं कौन कौन से लगेगा। अब बहुत सारे छात्रों का हमारे पास कॉल आ रहा है कि वो लोग रिजल्ट कार्ड अपना डाउनलोड करके नहीं रखे हैं, और हम हमेशा हर अपने वीडियो में बताया हूँ कि रिजल्ट कार्ड एडमिट कार्ड एकदम डाउनलोड करके रखिए। अब ऑप्शन क्या है तो उनका परेशानी बढ़ गया है। अब बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज में मिला है उनका एडमिशन, गवर्नमेंट कॉलेज में फर्स्ट काउंसलिंग में नाम आ गया है, लेकिन वो क्या किए हैं तो वहाँ पर रिजल्ट कार्ड उनका नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है एक तरह से। मैं ऐसे बात करूँगा नोडल ऑफिसर से, नोडल ऑफिसर से आज बात करके इस पर एक विस्तृत वीडियो बनाऊँगा, तो इसके लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें और बने रहें, ठीक है। देखिए मैंने अप्रॉक्स जो कटअप बताया था वहाँ पर भी हम लोग एकदम खरे खरे उतरे हैं, हम बता रहे हैं ना कि 92 नंबर वाले को भी कंस्टिट्यूएंट कॉलेज मिला है, तो सोच लीजिए मतलब उससे ज़्यादा ही कटअप होगा, यानी कि हमारा कटअप का जो अप्रॉक्स कटअप है वो एकदम 100% सही हुआ है, और कोई भी जो है ना, मैं सटीकता के साथ मैं बताना चाह रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं, इसी तरीके से हमारे चैनल पर सिलेबस के बारे में, फुल कोर्स के बारे में बताया जाएगा और पढ़ाया जाएगा, इस लेसन प्लान, असाइनमेंट, ये सब बताया जाएगा। पहले आप लोग एडमिशन ले लीजिए और सीटेट की भी तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी। तो देखिए हमारे यूट्यूब चैनल जो बिहारी योद्धा है वो हम आप लोगों के लिए महापुरुष के जो स्थल हैं, समाधि स्थल, उनके लिए वीडियो, ऐप्स एंड पोर्टल के लिए सेपरेट वीडियो, रेलवे जोन के लिए अलग सेपरेट वीडियो, मान लिया जाए इंपॉर्टेंट डेज है उनके लिए अलग अलग वीडियो लेकर के आती है, जो आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। तो हमारे चैनल से जुड़िए, आपको निश्चित ही क्या है कुछ मदद मिलेगी, और मदद मिलने के साथ साथ मैं विश्वास करता हूं कि यहां से आप वापस लौट के नहीं जाइएगा। 5 सितंबर को लगभग हम लोगों ने 7-8 वीडियो डालने का प्रयास किया था और सफल भी हुए थे, और सब वीडियो अवेलेबल है, जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट उपलब्ध हैं, हमारे यहाँ अच्छे अच्छे फैकल्टी हैं। देखिए अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको निश्चित यहाँ से मदद मिलने वाली है, और टेलीग्राम चैनल को भी जाकर के ज्वाइन हो जाएं, वहाँ पर PDF उपलब्ध होगा, और कोई भी क्यूरी के लिए संपर्क करें हमारे इस नंबर पर, ठीक है। आज एक वीडियो और आएगा जिसमें बताया जाएगा आप लोगों के लिए क्या कि कन्फर्म 3000 पेमेंट कैसे करें, ठीक है, या स्किप कैसे करें सेकेंड काउंसलिंग के लिए, या फिर एक और वीडियो हम लाएंगे कि जिसमें बताया जाएगा, ठीक है। तो आज हमारे चैनल से जुड़े रहें, बने रहें और देखते रहें बिहारी योद्धा यूट्यूब चैनल, ठीक है। आज के लिए बस रखते हैं इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।